गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक ले रहे हैं, लास्ट हमने अपना टेंस फिनिश किया है, ठीक है। उसके बाद हमने अपना प्रोनाउन फिनिश किया है, और आज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ वर्ब, जो टेंस से ही रिलेटेड है। जब हमने टेंस किए थे तो हमारे पास हमने दो चीजें उसमें हमने आइडेंटिफाई की थी, दो चीजें हमने की थी, एक हमारा वर्क था और एक हमारा टाइम था। दो चीजें थी, ठीक है। वो वर्क क्या था, वर्क का जो हम पता लगाते थे, जो उसको देखते थे कि वो काम कितना हुआ है, वो चीज क्या थी, वो हमारी वर्क थी, ठीक है। तो वर्क का सबसे उसमें क्या मेन है आपका, वर्क को जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क को, सॉरी वर्क को वर्क भी बोलते हैं। वर्क मीन्स क्या हो गया कि जिस किसी भी सेंटेंस में हमें उसके थ्रू क्या पता लगता है, हमें उस सेंटेंस का काम पता लगता है कि उस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, ठीक है। वो किसके थ्रू पता लगता है, वर्ब के थ्रू पता लगता है। और कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं होता, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब कंप्लीट नहीं होता। हर एक चीज में, हर एक सेंटेंस में, हर एक टाइम में हम कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, हर समय, एवरी टाइम। कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, सुनने का हो, बैठने का हो, चलने का हो, दौड़ने का हो, हम हर वक्त कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। बिना काम के हम कभी भी नहीं बैठते। इवन सोना भी एक काम है, अगर सो रहे हैं तो वो भी एक काम है, ठीक है। हर समय, एवरी टाइम वी डू समथिंग, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हर समय हमारा कोई ना कोई काम। हाँ बेटा, कट कट क्या आ रही है बेटा? नेटवर्क तो मेरा सही है, बाकी सबको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बेटा, अगर ये प्रॉब्लम सबके फोन में होती है तो इट मीन्स मेरे फोन में प्रॉब्लम है, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। और अगर किसी रेयर एक या दो स्टूडेंट्स के या तीन स्टूडेंट्स के फोन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप नेटवर्क क्लियर, वो आपके नेटवर्क में हो रही होगी, जिसकी भी वॉइस थोड़ी सी आ रही है डाउन, ठीक है। देखिए, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब हमने टेंस में भी आइडेंटिफाई किया था कि हमारा वर्ब क्या होता है, हमारा वर्ब क्या है, हमारा काम है, ठीक है। हर एक समय में हम बैठे हैं, इवन मैं खड़ी भी हूँ, स्टैंड हूँ, खड़ी हूँ, वो भी एक काम। बिना काम के हम कभी भी नहीं रहते, हम फ्री कभी होते ही नहीं। सो रहे हैं, वो भी एक काम है। नींद से उठे हैं, वो भी एक काम है। कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। हम हर समय कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है। कभी भी हम फ्री नहीं होते, कभी भी नहीं होते हम लोग फ्री। तो वर्ब की सिंपली डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड, वो वर्ड है दैट कन्वेज एन एक्शन। इसको वर्क भी बोलते हैं, दूसरा एक एक्शन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें एक्शन का पता लगता है वर्क से। एक्शन मतलब वही हो गया, एक्शन मैंने भी सेम हो गया। एक्शन मीन्स क्या हो गया कि हम जो एक्शन है, मीन्स जो काम है, वो कौन सा कर रहे हैं। एक्शन मैंने भी सेम ही हो गया, वर्क भी सेम होता है, काम होता है, और एक्शन भी हमारा वही चीज है, ठीक है। कि उसमें काम कौन सा हो रहा है, उसमें वर्क कौन सा चल रहा है, एक्शन कौन सा चल रहा है। That conveys an action, a state of being. किसी भी चीज के होने का पता चलना, किसी भी चीज के होने का पता चलना। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, अभी आपको आगे बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे, जैसे अब मैंने यहाँ बोला आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें वर्ब कौन सी है। आई एम अ टीचर में कोई वर्ब है? कोई वर्ब नहीं है। टीचर एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है, वो मैं अपने आप को डिफाइन कर रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, बट उसमें काम कौन सा हो रहा है? काम तो कोई भी नहीं हो रहा उसमें। जब मैं ये बोलती हूँ आई एम ए टीचर, उसमें काम कोई भी नहीं हो रहा, बट फिर भी हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि काम कुछ है। बेटा म्यूट योर सेल्फ, ऑल रजनी म्यूट योर सेल्फ। बच्चे, उससे भी हमें ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ है, स्टेट ऑफ बीइंग का हमें पता लगता है, किसी के होने का हमें पता लगता है, ठीक है। देन इट इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ये क्या करता है, किसी
कि कुछ कहने के लिए, कि हमें इट इज यूज टू से समथिंग, हमें कुछ भी कहना है तो हम किसके थ्रू बताते हैं, वर्ब के थ्रू बताते हैं। हमें कोई काम करना है या करवाना है, जो भी कुछ करना है, किसके थ्रू होता है, हमारे वर्ब के थ्रू होता है। सम पर्सन, किसी के बारे में हमें कुछ कहना है, प्लेस और थिंग, किसी चीज के बारे में या किसी प्लेस के बारे में, जो भी चीजें हैं ये किससे होती है, वर्ब के थ्रू होती है। हमें कुछ भी कहना है, कुछ समझाना है, सब वर्ब। वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि काम हर समय होता है, हर समय, बिना काम के कोई सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। अब वो भी एक वर्ब को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको भी एक वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेनली हुए ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, ठीक है। और उसका ये कहते हैं छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट जो उसको बनाया वो कौन सा, ऑक्सिलरी का। ऑक्सिलरी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। अब ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ट्रांसिटिव क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं। अब क्या उन्हें बर्ड्स को उड़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बर्ड्स को उड़ना है तो वो कहाँ उड़ेंगे, ऑब्वियस है स्काई में उड़ेंगे, ऊपर उड़ेंगे, तो क्या उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं है। बर्ड्स उड़ सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड है तो वो उड़ेंगे। अब मैंने बोला बॉयज फ्लाई, बॉय फ्लाइज, हाँ बेटा, वेटिंग फॉर टीचर आता है बेटा, वो आपके नेटवर्क की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा कहीं अगर आप बाहर जाके बैठोगे ना फिर नहीं होगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क की जो स्पीड है वो बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा कहीं बाहर हो जाओ रूम से, जिस जगह पे आप बैठे हो, गेट पे चले जाओ, कहीं भी थोड़ा सा उससे बाहर निकलोगे, थोड़ा सा नेटवर्क आपका ठीक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, हम बात कर रहे थे अपने ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव की। अब 2 उसका मेनली बना दिया, एक हो गया हमारा ट्रांसिटिव और एक हो गया हमारा इनट्रांसिटिव, 2 वर्ब के 2 पोर्शन हो गए हमारे। अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी एग्जाम्पल की, कि मैंने ये बोला बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं, वहां पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक है। एक मैंने बोला कि बॉय फ्लाइज, बच्चा उड़ाता है। अब वो क्या उड़ाता है, बच्चा उड़ता है वो तो करेक्ट नहीं हो सकता,
जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी। देखिए, बच्चा उड़ता है, अब वो अकेला खुद तो उड़ेगा नहीं, वो बच्चा तो नहीं उड़ सकता ना, अब वो कोई चीज उड़ाएगा तो उसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है, वो सेंटेंस बॉयज फ्लाइज वो आप विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, वो इनकम्प्लीट बनेगा। बट अगर मैं ये बोल दू बर्ड्स फ्लाई तो वो कंप्लीट बन सकता है, क्योंकि उसमें फ्लाई को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, उसको उसमें फ्लाई में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। बट अगर बच्चा कुछ उड़ा रहा है तो उसमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना कुछ ना कुछ। बच्चा क्या उड़ाएगा, कुछ ना कुछ तो उड़ाएगा। यहाँ पर सेंटेंस है आई रीड अ बुक, कि मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड ले लिया। सपोज मैंने यहाँ पर मैंने आई रीड ले लिया, यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को खत्म कर दिया, आई रीड की पढ़ता हूं मैं। अब क्या पढ़ती हूँ, पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, मैं यहाँ पर उस सेंटेंस को खत्म तो नहीं कर सकती। ठीक है, इनकम्प्लीट बनेगा, वो वर्ब कौन सी बनेगी, इंट्रांसिटिव बनेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को यही खत्म कर दूं आई रीड अ बुक, तो वो कौन सी वर्ब बन जाएगी आपकी, यहाँ पर इंट्रांसिटिव हो जाएगी वो। ठीक है, पढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत है हमें, तो हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, अ बुक, तो उससे क्या बन गई वो, ट्रांसिटिव वर्ब। हमें जरूरत थी ऑब्जेक्ट की तो हमने वो ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक है मोहन रैन, मोहन भागा। ठीक है, मोहन भागा, रैन दिया हुआ है मींस भाग गया, रोहन भाग गया, मोहन भाग गया। अब यहां पर हमें किसी भी चीज की, मोहन भाग गया वो चला गया, अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, कहीं भी जा सकता है, चला गया। ठीक है, वहां हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, वहां पर हमें कुछ पढ़ना है, कुछ भी काम करना है, तो वहां हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है। तो जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है, वो तो हो गई हमारी कौन सी, ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो हमारी कौन सी हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट की, तो बेटा ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, हम बात ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, वो अभी आपको डिफाइन करूंगी ऑब्जेक्ट के टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड लेती हूँ अपना ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होती है, सपोज आप कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें वर्ब की नीड नहीं है, वर्ब के लगाए बिना ही हमारा सेंटेंस का काम चल रहा है, तो कहते हैं ना एक छोटे, जैसे अब हमारे पास व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स हमारे पास होती हैं, अब गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है। ठीक है, तो उसमें हर एक व्हीकल के अकॉर्डिंग, जिसका जितना साइज है उस व्हीकल के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक इंजन लगा हुआ होता है ना। गाड़ी में बड़ा इंजन होगा, ट्रक को देखोगे ट्रक में उससे भी बड़ा इंजन मिलेगा, फिर आप इसमें ट्रेन में चले जाओ, एरोप्लेन की बात करो, बिना इंजन के तो कोई गाड़ी नहीं चलती है। ठीक है, उसमें आप किसी भी उसमें चले जाओ तो आपको हर एक उसमें एक इंजन मिलेगा, और इंजन किसके साइज के अकॉर्डिंग लगा हुआ मिलेगा आपको, आपकी व्हीकल के अकॉर्डिंग। अगर वो व्हीकल बड़ी है तो बड़ा इंजन मिलेगा, छोटी है तो छोटा मिलेगा। तो उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोटा इंजन बोल देते हैं, कि अगर कभी भी हमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वहां पे हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, उस सेंटेंस में हमारे पास कहीं भी कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है उसमें। मैं एक सेंटेंस जो मैंने लिया था यहाँ ले लेती हूँ, चलिए यहाँ देख लीजिए, मैंने एक सेंटेंस लिया आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, आई एम ए टीचर में कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, फिर भी हमें कुछ पता लग रहा है, फिर भी हमें वर्ब का पता लग रहा है, हमें टेंस का पता लग रहा है। ठीक है, किससे पता लग रहा है, हमें किससे पता लग रहा है, हमारे एम से, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से, हमारे हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लग रहा है, और तो कुछ नहीं है हमारे पास इसमें पता लगाने के लिए, हमारे पास सिर्फ आई है, इसमें सब्जेक्ट है। किस चीज से पता लग रहा है, हमें एम से पता लग रहा है, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से पता लग रहा है कि किसी चीज के, किसी के होने का पता है, कि मैं टीचर हूं, किससे पता लग रहा है, एम से पता लग रहा है कि मैं एक टीचर हूं। किसी चीज के होने का हमें पता लगे तो वो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होती है, जो किससे पता लगता है हमें, अरे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं, दो चीजें क्लियर हुई, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आ रही है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, बहुत इजी है, उसको भी दो चीजों में, दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट बना दिया प्रिंसिपल, सेकंड बना दिया मॉडल। मॉडल के नाम आते ही
क्लियर हो जाता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, मॉडल्स। मॉडल के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे हमें, मॉडल्स मिलेंगे, जिन्हें मॉडल्स भी बोलते हैं। ऐसा मॉडल यूज होते हैं कौन कौन से, विल हो गया, शेल हो गया, हमारा कौन से हो गए, विल शेल। आप इसमें कैन मे माइट, बहुत सारे जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं वो उसमें सारे आ गए, ठीक है। उसमें मॉडल इंक्लूड हो गए, और उसके बाद आया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या चीजें आ गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई जो मेनली हम यूज करते हैं, जो हमें टेंस को भी बताते हैं, वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई उसके अंदर, प्रिंसिपल क्लॉज में, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब्स में, ऑक्सिलरी में। प्रिंसिपल में आ गई हमारी इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हैज हैव हो गई, हैड हो गई, ये सारी हमारी किसमें आ गई, प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल उसमें ऑक्सिलरी में आ गई, ठीक है। तीन चीजें, हाँ बोलो। हाँ 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 देखो बेटे, ऑक्सिलरी में कौन सी वर्ब आ गई, दो टाइप में बांटा हमने ऑक्सिलरी को, ठीक है। एक हमारा कौन सा हुआ, प्रिंसिपल, और दूसरा हमारा कौन सा हुआ, मॉडल। बहुत सिंपल है, ऑक्सिलरी को दो चीजों में, दो वर्ब में हमने बांटा, दो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनी, एक हमारा बना मॉडल्स, और दूसरी हमारी कौन सी बनी, प्रिंसिपल, ठीक है। मॉडल का नाम आते ही बहुत ही क्लियर है, मॉडल मीन्स क्या आ गया, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जिसमें विल आ गया, शेल आ गया, कैन आ गया, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये सारे हमारे क्या हो गई, मॉडल्स हो गए, ठीक है। वो हमारी कौन सी हो गई, मॉडल वर्ब्स हो गई। और इनके अलावा जो हम हेल्पिंग वर्ब्स अपने यूज करते हैं, जिससे हमें टेंस का भी पता लगता है, ठीक है, कौन सी हो गई, इज एम आर हो गई, वॉज वर हो गई, हैज हैव हो गई, हैड हो गई, वो कौन सी वर्ब्स हो गई हमारी, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ, मॉडल्स और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, दो हमने उसमें बांटा हुआ है उसको, ये क्लियर हुआ बेटा। विल और शेल तो मॉडल में आ गए ना, मॉडल का मीनिंग क्या है, मॉडल क्या है, मॉडल का मीनिंग क्या है, जो मॉडल हम यूज भी करते हैं, यूज करते हो ना मॉडल्स को, एक टॉपिक पे आपका पार्टिकुलर बना हुआ है, मॉडल्स का बना हुआ है ना, मॉडल्स का क्या हो गया, उसमें मॉडल्स हमारे विल शेल ही सारे हमारे मॉडल्स होते हैं, सब हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल हमारे कौन से हो गए, इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी होती है वो हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स हो गई, हमारी जितनी भी हमारी उसमें आ गई, ठीक है। इसके बाद इतना क्लियर हुआ सबको, यहाँ पर तीन चीजें मैंने आपको बताई, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव हो गया सबसे पहले, कुछ भी काम नहीं करना, तीन टाइप से हमारे पास हमारी वर्ब के, कौन सा, एक हो गया हमारा ट्रांसिटिव, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा इनट्रांसिटिव, बेटा म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ बेटा, इनट्रांसिटिव हो गया विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जहां पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये दूसरे हुए, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा टाइप हो गया हमारी वर्ब का, वो हुआ हमारा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये तो सारे ऑक्सिलरीज हैं, इज एम आर भी ऑक्सिलरी है, विल शेल कैन मे माइट ये भी ऑक्सिलरी है, सारी ऑक्सिलरीज हैं, सारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब ही तो बोलते हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब है ये, बट उन हेल्पिंग वर्ब्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन हेल्पिंग वर्ब्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया, एक हमारा डिवाइड हुआ प्रिंसिपल में, और एक हमारा डिवाइड हुआ मॉडल्स में, ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा हो गया, जो हमारे मेनली जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिससे हमें टेंस का पता लगता है, इज एम आर, वॉज वर, हैज है, वो सारी हमारी प्रिंसिपल वर्ब में चली गई, और मॉडल्स में कौन से आ गई, विल शेल मे माइट, ये सारी हमारी मॉडल्स में चली गई, ये इतना क्लियर हुआ सबको। वर्ब्स ये ऑक्सिलरी क्लियर हो गई, ट्रांसिटिव हो गया, इनट्रांसिटिव हो गया। अब बात मैं कर रही हूँ, अब इनके लिए भी मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम ट्रांसिटिव की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो बेटा ऑब्जेक्ट के भी तो पार्ट होते हैं,
ऑब्जेक्ट भी होता है कुछ, ऑब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, वो भी आपको डिफाइन करूंगी, ठीक है। उसके प्याज उससे पहले हम लेते हैं अपनी वर्ब्स की बात करते हैं, ये उसके हुए टाइप्स, ठीक है, ये टाइप्स हो गए उसके। अब वर्ब्स को हम थ्री फॉर्म्स में बांटते हैं, करते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, तीन फॉर्म में हम उसको बांटते हैं। वैसे होते हैं उसके जनरली फाइव है, वर्ब के फाइव होते हैं, जो आप उसको डिवाइड करते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो फाइव होते हैं, वो वर्ब्स थ्री नहीं होती हैं, बट मेनली थ्री हम लेते हैं क्योंकि हमें जो यूज करनी होती है मोस्टली वो हमारी थ्री वर्ब्स होती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इन फाइव वर्ब्स को भी कभी लेंगे, इसकी भी एक क्लास लेंगे कि इसमें चार जो हमारे, पांच जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसको डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, उसको देखेंगे। यहाँ पर वर्ब के हमने दो, अब वर्ब भी स्ट्रांग और वीक होती है, वर्ब का भी होता है कि कोई स्ट्रांग, कोई जो वर्ब है वो स्ट्रांग है और कोई वर्ब है वो वीक है। अब कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, ठीक है। अब वीक वर्ब्स कौन सी होती है, जिसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, ईडी होता है ना ऐड, जिन वर्ब्स के साथ क्या ऐड कर देते हैं हम, ईडी, डी ऐड हो गया, टी ऐड हो गया, वो सारी हमारी कौन सी वर्ब्स होती हैं, वीक वर्ब्स, जिसके साथ क्या ऐड हो जाता है, ईडी, डी और टी, ये तीनों ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हुआ से का क्या बना देते हो, सेड बना देते हो, ठीक है। लीव का क्या होता है, लीव्ड हो जाता है, लाइव का सॉरी लिव्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका बॉय, बाय, BUY, बाय का भी क्या होता है, बॉट हो जाता है, होता है ना। कैच का क्या होता है, कॉट हो जाता है। ये सारी वर्ब जिसमें लास्ट में टी लगता है, ईडी लगता है, उसको हम फॉर्म में चेंज करने के लिए टी लगा देते हैं, उसको चेंज करने के लिए ईडी लगा देते हैं, या फिर चेंज करने के लिए उसमें हम डी लगा देते हैं, ठीक है। वो तो सारी हमारी कौन सी हो गई, वीक वर्ब्स हो गई। और एक वर्ब्स हमारी वो होती है जिसमें हमें ईडी, डी, टी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारी कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंग, रिंग के यहाँ अगर हमें फॉर्म चेंज करनी है तो हम क्या लिखेंगे, रैंग, फिर थर्ड क्या लिखेंगे, रंग। ऐसी सिंग की होती है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। उन वर्ब्स में आपको कुछ भी ईडी और डी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल और वर्ड्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है बिगिन, 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 बिगन, उसमें हमें ईडी और टी ऐड करने की नीड नहीं होती। जिसमें नीड नहीं होती वो हमारी कौन सी होती है, स्ट्रांग वर्ब्स होती है, ठीक है। और जिसमें हम ऐड करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, वीक वर्ब होती है, ठीक है। जिसमें ईडी, डी, टी ये ऐड हो रहे हैं वो हमारी वीक वर्ब्स हैं, और जिसमें ऐड नहीं होने की जरूरत होती वो हमारी स्ट्रांग वर्ब होती है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, हमारी वर्ब क्या होती है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं। हम हर वक्त कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिना काम के कभी भी हम फ्री नहीं बैठे होते हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस टाइम भी आप काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, देखना भी सी भी एक वर्ब है, देखना, दोनों दो काम कर रहे हैं आप लोग, इस टाइम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है एक टाइम में दो काम भी हो जाते हैं, जैसे अब आप लोग इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी दो काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, इवन मेरे तो तीन हो गए, बोल रही हूँ, देख भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। तो हर वक्त बेटा, हर वक्त हम कोई ना कोई काम करते हैं, कभी भी हम लोग फ्री नहीं होते। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, वर्क वर्ड है, जिसमें हम कोई भी कोई हमारा काम कर रहे हैं, वो हमारी सारे काम जो हमारे वो क्या है, हमारी वर्ब है। उस वर्ब को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके तीन टाइप्स हो गए, पहला हो गया ट्रांसिटिव, दूसरा हो गया इंट्रांसिटिव, और थर्ड हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स। ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड हमें है, ठीक है, विद एन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांसिटिव क्या हुआ, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव विद एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑक्सिलरीज आई, ऑक्सिलरीज को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारी हो गई प्रिंसिपल और सेकेंड हमारी हो गई मॉडल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई।
अगर आप इन सब की बात करें, इन सब की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये जो है हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर मैं इसकी इन सब की बात करती हूँ तो इन सबको बोलते हेल्पिंग वर्ब्स ही है, सारी ऑक्सिलरीज है ये। अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं तो सारी ऑक्सिलरीज है सारी, ठीक है। सिर्फ उन ऑक्सिलरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बोलेंगे इन सबको ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स है ये सारी, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रिंसिपल हो गया और एक हमारा मॉडल्स हो गया। प्रिंसिपल वो चला गया जिसमें हमारा टेंस का पता लगता है, ठीक है, और मॉडल्स जो एज अ हेल्पिंग वर्ब ये हमारे यूज होते हैं, मॉडल्स हो गए, ठीक। इतना हुआ, उसके बाद हम आए अपनी वीक और स्ट्रांग वर्ब पे। वीक वर्ब कौन सी होती है? जिसमें हम ईडी डी और टी ऐड करते हैं, सिंपल। जिसमें हम क्या यूज करते हैं? अपना डी ईडी टी ये हम ऐड करते हैं, वो हमारी कौन सी हो गई? वीक वर्ब हो गई। और जिसमें हमें ऐड करने की नीड नहीं होती इन सब चीजों को, वो हमारी कौन सी हो गई? स्ट्रांग हो गई, ठीक है। जिसमें हम ए ए ए के थ्रू या यू के थ्रू हम उसको बनाते हैं, रिंग रैंग रंग हो गई, बिगिन हो गई, सिंग हो गई, अराइज हो गई, अराइज अरोज अराइजन, ये हमारी वर्ब्स हो गई। बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है, जैसे ब्रेक दिया हुआ, ब्रेक ब्रेक, ब्रॉक ब्रोकन, ये सारी हमारी कौन सी है? ये हमारी स्ट्रांग वर्ब्स है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे वर्ब लिख दू तो आप लोग मुझे बता दो कि कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, आप तो क्लियर हो जाएगा ना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दी है इसमें ब्लो, BLOW, अब ब्लो बताओ कौन सी वर्ब बनेगी? वेरी गुड, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ब्लो हमारी कौन सी वर्ब है बेटा? लेती हूँ, देखो भाई, भाई तुम्हारी कौन सी वर्ब है? ब्लो किसी चीज ब्लो ब्लू गन, तो किसमें चीज करती है बेटा? बाइंड को बाउंड में, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो एक वर्ड है आपका, एक और ले लेती हूँ, सिंग। सिंग कौन सी वर्ब है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक आपका है मेड, मेड सॉरी, मेड कौन सी वर्ब है? गिव, गिव कौन सी वर्ड है? गिव, गिव गिव में बेटा कहां पर ईडी डी कहां ऐड हुआ? गिव में कहीं भी ऐड नहीं हुआ, सिंपल है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तीन जो हम ऐड करते हैं, हमें कोई पता है, जब हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं तो बहुत सारी वर्ब्स में ईडी डी टी ऐड होता है, ठीक है। जिन वर्ब्स में ऐड होता है वो हमारी कौन सी है? वीक वर्ब है। और जिनमें नहीं होता वो हमारी कौन सी है? स्ट्रांग वर्ब्स है, ठीक है। जिनमें होता है वो हमारी वीक वर्ब्स है, और जिनमें नहीं होता वो हमारी स्ट्रांग वर्ब्स है, ठीक है। आप देखिए बेटा, जो आपका एक टॉपिक आपका ये रह गया, एक आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज पर थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि आज कुछ अगर एक्सरसाइज नहीं उसको समझाऊंगी तो आज आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज में आपकी एक तो, जब भी मैंने आपको लास्ट बोला था, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो क्लास के लिए, अपनी सब्जेक्ट की नोटबुक बुक जरूर लेकर बैठा करो, ठीक है। तो बुक में देखो, ओपन योर बुक्स, आपका 41 पेज है जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो विद वर्ब्स इन कलर, राइट टी फॉर ट्रांसिटिव और राइट आई फॉर इनट्रांसिटिव एंड ए फॉर ऑक्सिलरी, ठीक है। इनमें आपको बताना है, ब्लू से हाईलाइट हो रही है वर्ब, इसमें हाईलाइट की हुई है, आपको देखने की जरूरत नहीं कौन सी वर्ब है, वर्ब्स हाईलाइट हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, वो भी कंप्लीट भी नहीं लिखना, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, टी लिखना है ट्रांसिटिव के लिए, आई लिखना है इंट्रांसिटिव के लिए, और ए लिखना है ऑक्सिलरी के लिए, ठीक है। तो जो भी वर्ब है उसको रीड करो, जो भी उसमें दी हुई है उसको सामने आपने लिखना है। सेकेंड देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी,
अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड्स. बहुत इजी है, आपको अपनी वर्ब को अंडरलाइन करना है सेंटेंसेस में, ठीक है. वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ब कौन सी है. ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी लिखेंगे. आई थिंक इसमें वो दी हुई है, राइट देयर काइंड्स मीन्स आपको इसमें वो लिखना है, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, वर्ब कौन सी है, ठीक है, वो चीज लिखनी है आपको इसमें. इसमें आपको काइंड्स नहीं लिखने, इसमें काइंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वो लिखना है कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, ठीक है. सेकेंड एक्सरसाइज में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का लिखना है, अंडरलाइन का. जैसे सेकेंड में तो अंडरलाइन की हुई थी, हाईलाइट की हुई है ऑलरेडी, आपने उसको लिखा है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी करना है और सामने लिखना भी है, ठीक है. नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है थर्ड, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ पर आपको ऑक्सिलरीज भी दी हुई है और मेन वर्ब भी दी हुई है, दोनों है, दोनों वर्ब दी हुई है इसमें आपको, जितनी भी होती है उसमें आपको चूज करके जो फॉर्म करेक्ट बन रही है वो आपको उसमें लिखनी है. ट्राई टू सॉल्व इट, उसको करने की कोशिश करें, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. नेक्स्ट आपकी है फोर्थ एक्सरसाइज, जो ओनली ऑक्सिलरीज है. फोर्थ एक्सरसाइज में सारी ऑक्सिलरी है, बहुत ईजी है उसको फिल करना, सारी ऑक्सिलरीज है आपकी फोर्थ एक्सरसाइज में. नेक्स्ट है आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी. बेटा ये आप करेंगे अपने टेंस के थ्रू, ठीक है. जो हमारा टेंस है ये आप किसके थ्रू करेंगे, अपने टेंस के थ्रू करेंगे, ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही है, सेकेंड फॉर्म यूज कर रही है, थर्ड फॉर्म यूज कर रही है, तो आप टेंस के थ्रू करेंगे. इसमें अभी आपको फिलहाल आज के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी है, आज के लिए आपको फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, ठीक है, और एक आपको थर्ड करनी है. आई थिंक ये हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर लेना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फोर्थ में आप हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है. फर्स्ट भी हो जाएगी आपकी, सेकंड भी हो जाएगी, ठीक है. देखिए थोड़ा एक बात, एक दो जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बता देती हूँ. फर्स्ट में देखो, द सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, फील्ड में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ट्रांसिटिव है. देखो इसमें एक सेंटेंस दिया है, दे विल कम हेयर, मैच जीता. अब सिर्फ इसमें इतना आता, वी हैव वॉन, हमने जीता, अब कुछ तो जीता होगा, क्या जीता है, मैच जीता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट की नीड है यहाँ पर. हाँ एक आदमी, नाइन्थ सेंटेंस है आपका, नाइन्थ, ही इज अ स्टूडेंट, जिसमें आपको कोई मेन वर्ब नहीं मिली है, सिर्फ ऑक्सिलरी मिली है आपको, वो ऑक्सिलरी कौन सी है, इज कौन सी ऑक्सिलरी है, प्रिंसिपल. यहाँ पर ऑक्सिलरी की बात हो रही है बच्चे, मेन वर्ब को डिवाइड है, उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग लिखा है, बाकी वीक और स्ट्रॉन्ग की अभी कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं आई है इसमें, उसको एक बताने के लिए किया है कि वो मेन, वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो वीक होती है, ठीक है. यहाँ पर इज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, उनको दो उसमें डिवाइड किया है, प्रिंसिपल में और मॉडल में, और इज आपकी कौन सी है, प्रिंसिपल, ठीक है. नेक्स्ट देखो, वर्ब में अंडरलाइन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर कर दिया बॉयज आर प्लेइंग, वर्ब कौन सी है, प्लेइंग, ठीक है. अब वो प्लेइंग कौन सी वर्ब है, खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ये नहीं दिया वो क्या खेल रहे हैं, तो ये क्या है, बॉयज आर प्लेइंग, कौन सी है ये, इंट्रांसिटिव हो गया ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, इंट्रांसिटिव हो गया ये. चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब आपको फिल करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, ही विल नॉट डैश टू स्कूल टुमारो, क्या यूज करेंगे, गो, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, नहीं जाएगा. सेकेंड, आई डैश न्यूज पेपर एवरी डे, क्या आएगा, रीड, आई रीड न्यूज पेपर एवरी डे, ठीक है. बाकी आपकी फोर्थ में बता देती हूँ, फोर्थ में क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने फिल करनी, जैसे दिया हुआ है द फार्मर डैश प्लोइंग द फील्ड, फार्मर इज, जब आप इनको फिल करो बेटा
तो अपने सब्जेक्ट को जरूर देखना कि वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है। इसमें आपको सब्जेक्ट अपना सिंगुलर और प्लूरल जरूर देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिल करना उसको, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, आपकी फर्स्ट ये 4 एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। कल की क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमें अभी डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा रह रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह रहा है, और जो हमारी एक्सरसाइज है वो रह रही है। अब कल के लिए आपके लिए काम क्या कुछ नहीं, क्या बेटा, मैं वही कह रही हूँ, सुन तो लो, मैं वही कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्रोनाउन टेंस की मैंने आप लोगों की फिर भी देखी थी, प्रोनाउन की एक्सरसाइज चेक कर रही है मुझे, ठीक है, आपको भेजी है। और आज आके आज हम प्रोनाउन की मैंने आपको सेंड नहीं की, अभी प्रोनाउन की आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, और आज मैं आपको वर्क की एक्सरसाइज सेंड नहीं करूंगी। अभी वर्क की एक्सरसाइज पहले आप खुद करेंगे, उसके बाद सेंड करूंगी। आज मैं आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइज सेंड करूंगी, ठीक है, उसको मैच कर लेना। मैच करने के बाद कल मैं आप लोगों की बुक चेक करूंगी, ठीक है, या फिर हाँ बेटा 9 यहाँ पर 10 हो गए हैं हमारे पास, है 2-3 मिनट, बट उसको कल लेते हैं। कल पहले आपकी बुक चेक करूंगी, उसके बाद आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। कल सारे बच्चे अपनी बुक्स लेकर बैठना बेटा, और बुक के साथ पेंसिल जरूर लेकर बैठा करो, ठीक है। ऑल राइट बेटा, देर इज 9 आपकी क्लास का, नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम होने वाला है। इट्स अबाउट टू लीव नाउ, इफ एनी क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग, क्या बेटा, हाँ बेटा, प्रोनाउन की आपकी एक्सरसाइज चेक करूंगी, ये आपको फिल करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। ये नहीं कि प्रोनाउन की आपको उसको फिल करके बैठो और इसकी, क्योंकि आज आपने टॉपिक सुना है उसको प्रैक्टिस करोगे, कुछ करने नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, कोशिश करोगे तभी आएगा। वैसे बहुत ईजी है जो एक्सरसाइज मैंने आपको फर्स्ट 4 बताई है, बहुत ईजी है, वो रीड करने से आपको उसका आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बोलो, इंट्रांसिटिव है, वो इंट्रांसिटिव है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांसिटिव है आपका, जरूरत सॉरी जरूरत नहीं है तो वो तो ट्रांसिटिव हुआ ना, अगर जिस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और हमें जरूरत नीड भी नहीं लग रही है, तो वो तो आपका कौन सा बनेगा, ट्रांसिटिव। और जिसमें नीड है और है नहीं, तो वो तो इंट्रांसिटिव, आप तो कोई हो गई ना, वो तो इंट्रांसिटिव में ही जाएगा, क्या बेटा, हाँ, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें हमें नीड नहीं है, वो हमारा विदाउट एन ऑब्जेक्ट, सॉरी विद एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की हमारे पास नीड है, हमें जरूरत भी है और हमें दिया हुआ है। सपोज कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके पास, यहाँ पर अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था, कौन सा था वो, बॉयज आर प्लेइंग, एक सेंटेंस था बॉयज आर प्लेइंग, अब वहां पर वो प्लेइंग पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका प्लेइंग पे खत्म हो रहा है, अब वो क्या खेल रहे हैं हमें वो नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो वो हमारी वर्ब कौन सी होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसमें, तो वो इंट्रांसिटिव में गया। अगर ऑब्जेक्ट हमारा होता, ये लिखा हुआ था बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हमारे पास दिया हुआ था, तो वो हमारा ट्रांसिटिव में जाता, जिसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लगा हुआ है ऑलरेडी, वो हमारा ट्रांसिटिव है, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है वो हमारा इंट्रांसिटिव है, और वो इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं, वो हमारी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो भी कोई बात नहीं, उसको करो, डाउट हो कल मुझसे फिर पूछना, ठीक है, करोगे तो डाउट्स क्रिएट होंगे, जो बच्चे वर्क करेंगे उसमें डाउट बनेंगे, करने के बाद करोगे तो लगेगा कि हाँ ये नहीं आया, ये सेंटेंस क्लियर नहीं, करोगे तो डाउट्स आएंगे, क्रिएट होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला होगा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स,
ठीक है, अगर हम WH वर्ड्स को हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो वो इंटरोगेटिव का काम करते हैं, और उनको रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो जब हम बीच में अपने WH वर्ड उसका हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं, तो वो WH वर्ड ही बीच में यूज होते हैं, वर्ड सेम होते हैं इंटरोगेटिव में और रिलेटिव में। ये चीजें ना थोड़ा सा मुझसे पहले वो करते, टाइम हो गया आपकी क्लास का शायद। कौन बोल रहा है बेटा, व्हाट्स योर नेम? हिमांशी, हिमांशी, अच्छा बच्चा। लास्ट में बेटा क्लास में कुछ ऐसा हुआ था कि 9:15 पर आपने मुझसे कुछ पूछा था, 9:15 हो गए हैं, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ कल कर लेना, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है ना बेटा, यहाँ मैं अगर इसको लेकर बैठूंगी आपका टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आप देर से पहुंचोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपका डाउट है उसको मार्क करके रख लो और कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, नाउ इट्स टाइम टू मूव योर नेक्स्ट क्लास बेटा, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, नाउ यू कैन लीव द क्लास, बाय बच्ची, बाय।